प्रेम कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन आज अपनी जबानी हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें ना प्यार का वादा था, ना ही इरादा था, कुछ था वो था बस साथ। यही तो इस प्रेम कहानी की खास बात, साथ दो ऐसे लोगों का जो नेक थे, अच्छे थे, जबान के पक्के और दिल के सच्चे थे, जो कभी किसी मुश्किल से हारना नहीं जानते थे और एक दूसरे को एक दूसरे के बराबर मानते थे। ना तो था लड़का दीवाना, ना ही थी लड़की दीवानी, लेकिन जब दोनों साथ आए तो शुरू हो ही गई इनकी ये अनोखी प्रेम कहानी। ईशान, ईशान का कुर्ते खड़ा। मैं नहीं जानती कि ये एक नई शुरुआत है या फिर बर्बादी। बस इतना जानती हूं कि मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है ये शादी। किस्मत जब साथ ना दे तो ऐसा ही होता है। मेरे लिए भी ये शादी एक समझौता है। तकदीर ने जो दुख दिए हमें उनको सहना ही पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस समझौते में ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। मुझे पता है मेरी मंजिल, जानती हूं अपना रास्ता। जल्द ही डॉक्टर बनना चाहती हूं, क्योंकि ये ही था मेरे आबा का सपना। डॉक्टर बनते ही मैं यहां से चली जाऊंगी, फिर दोबारा अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं देता हूं तुम्हें सपा, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। और मैंने ले लिया है ठान, अब से तुम हो मेरा परिवार, जिसके लिए कर दूंगा मैं जिंदगी वार। भले तुम किस्मत से हो वारी, अगर अब से तुम हो मेरी जिम्मेदारी। सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।